विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर भंडारा गोंदिया जिले में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ेगी। इसके बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि ये निर्णय पक्ष के स्थानीय नेताओं द्वारा लिया जाता है, स्थिति के अनुसार जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। विधान परिषद के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक नागपुर पहुंचे, जिस दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव का निर्णय स्थानीय पक्ष नेताओं की ओर से लिया जाता है, स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेबांनी पहिल्यापासून स्पष्ट केलेलं आहे की देशामध्ये विरोधकांची मोड बांधायचं आहे, पण मोड बांधताना काँग्रेसशिवाय हे विरोधक जे एकजुटीचं काम आपल्याला करायचं आहे ते होऊ शकत नाही। आणि काँग्रेस सकट जे नॉन UPA पक्ष आहे, ज्यांच्या खासदारांची संख्या जवळपास 150 आहे, असे लोकांना पण सोबत आणणं हे गरजेचं आहे। त्यासाठी आधीपासून पवारसाहेब बोलत राहिले की सगळ्यांना एकजूट करायचं आहे आणि त्या दिशेने आधीपासून काम सुरू आहे। आगामी काळामध्ये काँग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षाच्या एक मोठी आघाडी निर्माण करण्याचं काम या देशात होईल। त्याचं नेतृत्व कोण करेल आता तो विषय नाही, सामूहिक नेतृत्व राहिला पाहिजे अशी एक चर्चा आहे। निश्चित रूपाने सगळे एकत्रित आल्यानंतर मग कसं पुढे जायचं ते नंतर निर्णय होईल। बता दें कि भंडारा गोंदिया जिले में विधान परिषद की चुनाव कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार BCN News नागपुर।